नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुल बुल। दोस्तों आज का वीडियो में मैं आपको पीएलसी टू डीसीएस जो कम्युनिकेशन होता है, अगर कम्युनिकेशन में फॉल्ट आ जाए तो आप लोग कैसे उसको ट्रबल शूटिंग करेंगे, कहाँ पे फॉल्ट हुआ है आप कैसे मालूम करेंगे, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों, आज कम्युनिकेशन एरर आ गया है, यानी फील्ड में जितना सारा इक्विपमेंट चल रहा है उसका स्टेटस कंट्रोल रूम में नहीं दिखा रहा है, जो कि डीसीएस स्क्रीन के ऊपर पूरा दिखाना चाहिए कि ऑयल का फ्लो कितना है, एयर का प्रेशर कितना है, ड्राइव चल रहा है या ड्राइव बंद है, कुछ भी कंट्रोल रूम में शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन हुआ है दोस्तों, ये ओएफसी केबल के जरिए कम्युनिकेशन हुआ है, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए कम्युनिकेशन हुआ है। तो ये जो कनेक्टर आप देख रहे हैं दोस्तों, कनेक्टर का राइट साइड में येलो केबल है और लेफ्ट साइड में पतला वाला वायर लगा हुआ है, तो ये दोनों ओएफसी केबल है। तो लेफ्ट साइड में आप जो पतला वाला ओएफसी देख रहे हैं दोस्तों, वो पीएलसी पैनल से डायरेक्ट यहाँ पे आया है, यानी पीएलसी पैनल कहीं दूसरे जगह पे है, वहां से ये ओएफसी केबल के जरिए ये जो डीसीएस पैनल का ये जो जेबी है, जेबी तक सिग्नल आया है और फिर वहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों कनेक्टर यूज किया गया है। कनेक्टर का राइट साइड में येलो केबल आप देख रहे हैं, ये भी ओएफसी केबल है दोस्तों। ओएफसी यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल ये कहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ये कनेक्ट हुआ है डी लिंक के साथ, जो कि मीडिया कन्वर्टर कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन फॉल्ट क्या है दोस्तों, यानी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, पीएलसी के साथ डीसीएस का कम्युनिकेशन फेलियर हो रहा है। तो ये कम्युनिकेशन ये ओएफसी केबल के जरिए होता है दोस्तों। तो मान लीजिए ओएफसी केबल अगर बीच में कहीं पे कट हो जाए तो जिसकी वजह से सिग्नल यहां तक नहीं पहुंचेगा और हमारा कम्युनिकेशन फेलियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको चेकिंग करना है कि यहां पे वो जो सिग्नल यहां पे पहुंच रहा है कि नहीं। तो ओएफसी केबल को हम कैसे चेक करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि सिग्नल यहां पे पहुंच रहा है कि नहीं। तो दोस्तों फॉल्ट कहां पे हो सकता है, फॉल्ट केबल में हो सकता है, नहीं तो ये जो डी लिंक देख रहे हैं ना दोस्तों, डी लिंक यानी मीडिया कन्वर्टर, यहां पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट खराब होने का चांसेस रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ओएफसी केबल को चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे आगे देखिए। तो दोस्तों ये जो ओएफसी केबल जहां से आया है, यानी पीएलसी पैनल से ये ओएफसी केबल आया है, तो पीएलसी पैनल में एक आदमी मौजूद रहेगा, वहां पे हमने यहां पे जैसे ये दोनों केबल को ऐसे निकाला है, सिमिलरली वहां पे भी दोनों केबल को आपको खोलना है। तो केबल का दोनों एंड पे आपको खोलने के बाद एक साइड पे आपको टॉर्च करना है, ये केबल के ऊपर आपको टॉर्च करना है यानी लाइट डालना है। तो जैसे ही आप वहां पे एक एंड पे आप लाइट डालेंगे, अगर ये केबल सही रहेगा, अगर केबल सही होगा तो दूसरे एंड में आपको लेजर लाइट दिखाई देगा। तो टॉर्च करने का प्रोसीजर है दोस्तों, उसका ऊपर पूरा डायरेक्ट लाइटिंग कीजिए, मोबाइल लाइट का यूज कर सकते हैं, नहीं तो टॉर्च लाइट का यूज करके आप वहां पे लाइटिंग करेंगे। तो जैसे ही लाइट वहां पे देंगे तो लाइट यहां पे पास होके आ जाएगा, जो कि आपको खाली आंख से भी आपको दिखाई देगा। अगर लाइट दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि केबल सही है, और अगर लाइट आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए कि केबल खराब है या कहीं पे टूट गया है। अभी वो दूसरे साइड में हम लोग लाइट पास कर रहे हैं, तो ये एंड में हमको लाइट दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए देखते हैं। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये देखिए दोस्तों एक वायर में वो लाइट पास कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों लाइट अभी आ गया, तो जिसका मतलब है कि ये वायर सही है। सिमिलरली आपको दूसरा वाला वायर में भी आपको ये चेक करना है, अगर दोनों वायर में आपको लाइट पास हो रहा है, लाइट दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि ये केबल सही है। अगर केबल सही है फिर भी आपका कम्युनिकेशन फॉल्ट आ रहा है तो अभी आपको क्या करना होगा, ओएफसी केबल सही है, इसका मतलब है कि फॉल्ट कहीं ना कहीं ये डी लिंक में है, यानी जो मीडिया कन्वर्टर है, मीडिया कन्वर्टर में फॉल्ट है। तो आपको क्या करना है, मीडिया कन्वर्टर को रिप्लेस कर देना है, एक नया मीडिया कन्वर्टर वहां पे लगाना है। ये डी लिंक में कोई भी फॉल्ट का इंडिकेशन नहीं दिया है, इसीलिए आप मालूम नहीं कर सकते कि ये मीडिया कन्वर्टर खराब है या सही है। यहाँ पे ये जितना सारा एलईडी है दोस्तों, सारे एलईडी ग्लो कर रहा था, तो यहाँ पे फॉल्ट का इंडिकेशन नहीं है। तो इसी तरह से आप लोग सबसे पहले ओएफसी केबल को चेक करेंगे, उसके बाद अगर ओएफसी केबल सही होगा तो मीडिया कन्वर्टर को आप रिप्लेस कर देंगे, तो आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं
तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।